welcome dear viewers on this channel. today i am here with the next topic from the chapter number 19 of 11th biology related to the excretory products and their elim elimination. so today we will discuss about the human excretory system. as such, there are only four to five questions which can be asked as a mcq in the emrs or other state competitive exams related to biology or biology teaching. so dear students, Till now we have discussed about the different type of processes through which different organisms excrete their waste, whether they are a monotelic, ureotelic or uricotelic. We have discussed their examples, and along with that, in previous video, I have discussed with you all that starting from the different uh, excretory structures like flame cells in platyhelminthes, there are antennal glands in the crustaceans like prawns. so other than discussing about the different processes through which these animals excrete their waste we have discussed about the excretory organs also to yahan pe jo aapko questions previous videos से बनते हैं वो हैं कि different organisms कौन कौन सा waste release करते हैं या फिर आपको उनके excretory organs related question जो है वो पूछा जा सकता है नाउ आई विल स्टार्ट विद द ह्यूमन एक्सक्रिटरी सिस्टम क्योंकि नो डाउट वी हैव डिस्कस्ड इट अप टू आर क्लास टेंथ क्लास टेन लेवल तक एक्सक्रिट्री सिस्टम जो है वो हमने बोर्ड एग्जाम्स तक पढ़ा होता है बट देयर आर अ लिटल विथ इलेबोरेटेड क्वेश्चन इन स्टैंडर्ड इलेवेंथ सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस टॉपिक विदाउट डिलेइंग सो एज वी नो दैट हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग दिस थिंग वी ऑलरेडी नो दैट ह्यूमन बॉडी हैज अ पेयर ऑफ किडनीज रेडिश और पिंकिश कलर्ड इन प्रेजेंट इन लोअर एबडामन एंड दिस टू आर कनेक्टेड विद द कॉमन यूरेटरी पेयर दोनों किडनी से एक एक यूरेटर अराइज होता है एंड दैट दैट अराइज यूरेटर इज कंबाइंड इन टू द यूरिनरी ब्लड टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ द यूरिन एंड यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो आ, हमारा यूरिन जो है दैट इज पासड आउट सो दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास टेंथ हम लोगों ने क्लास टेंथ तक ये चीजें पढ़ी होती हैं बट अदर देन दैट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दायर स्टैंडर्ड टीचिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम उस पर फोकस करेंगे सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू दिस स्ट्रक्चर दिज ऑल थिंग नो नाउ द मेन थिंग इज इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है जो एन सी आर टी में दे रखी है कि वेयर इट इज लोकेटेड लोकेशन ऑफ किडनीस तो ये आएगी आपकी सिचुएटेड बिटवीन दी लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वाटिब्रा ये यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वन मार्क के लिए एमसीक्यू टाइप लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वाटिब्रा एंड अदर दैन दैट यहाँ पे इसके जो डायमेंशनस हैं वो पूछी जा सकती हैं लाइक like इसकी लेंथ जो कि है दस से बारह सेंटीमीटर फाइव टू सेवन सेंटीमीटर विथ है इसकी टू टू थ्री सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है और वेथ की बात करें तो इट्स वन ट्वेंटी टू वन सेवेंटी ग्राम तो यहाँ से जो है वो ऑब्जेक्टिव uh, क्वेश्चन जो हैं वो इस पोर्शन से बन सकते हैं आफ्टर दैट यहाँ पे बोला है टुवर्ड्स देंटर ऑफ इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नोच और वी कैन से काइंड ऑफ पिंच और डिप जिसको कि हाइलम बोलते हैं सो हाइलम इज दिस प्लेस दिस रीजन दिस नोच इसकी बात हो रही है जहाँ से ये आर्टरीज एंड वीन्स जो हैं वो एंट्री कर रही हैं एंड यूरेटर जो है वो निकल रहा है तो यूरेटर का एग्जिट पॉइंट जो है किडनी में से दैट पर्स दैट कॉन्केव कॉन्केव मतलब इस तरह से धंसा हुआ दिस नोच इज नॉन एज दी हाइलम तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है अदर देन दैट यहाँ पे अब ट्रांसफर सेक्शन जो किडनी का चलता है तो थोड़ा सा मैं उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस है तो वहाँ से जो है वो एम पूछे जा सकते हैं तो फर्स्ट बिफोर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस स्ट्रक्चर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द किडनी तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो ये यह जो यहाँ पे uh, ये यह आप देख सकते हैं रीनल लट्री एंड रीनल यहाँ से एंटर कर रही है दिस इज हाइलम ये पोर्शन जो है हाइलम आ गया दिस नोच बट ये जो अंदर का एम्पटी स्पेस यहाँ यहाँ तक का एम्पटी स्पेस है इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस सो रीनल पेल्विस की लोकेशन पूछी जा सकती है कि कौन से सिस्टम में ये प्रेजेंट है एंड अदर देन दैट आपको पूछा जाएगा यहाँ पे ये जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ किडनी है ये दो रीज़न्स में डिवाइडेड है तो ये जो यहाँ यहाँ तक का ये जो आपको पिरामिड्स दिखा रहे हैं दिस रीजन इज नॉन एज दी मेडुला रीनल मेडुला और इसके बाहर के रीजन को बोलते हैं रीनल कॉटेक्स तो ये दिस वन रीनल कॉटेक्स और ये अंदर का रीजन जो है दिस इज रीनल मेडोला और रीनल मेडोला भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है इसका ये जो इंटीरियर पोर्शन है दिस वन इज नॉन एज द इनर मेडोला और जो आउटर पोर्शन है इट इज आउटर मेडोला अब यहाँ पे हम लोगों ने तीन चीजें डिस्कस करी एक तो रीनल पेलविस सेकेंड थिंग रीनल कॉटेक्स एंड रीनल मेडोला ये अंदर का रीज़न बट अदर देन दैट यहाँ पे आप देख सकते हो कैलिक्सिस या सिंगल कैलिस भी बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स ये चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है रीनल कॉलम्स जो हैं तो यहाँ पे आपको इस स्ट्रक्चर में जितने भी ये मेन चीज़ें मेंशन की गई हैं उनसे रिलेटेड भी वन मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि रीनल आर प्रेजेंट इन कहाँ पर होते हैं मैद, रीनल मेडुलरी रीजन में होते हैं या फिर रीनल कॉटेक्स रीजन में होते हैं फिर मेडुलरी पिरामिड कहाँ पे होते हैं ये इस तरीके के स्ट्रक्चर हैं रीनल कोलम की बात करें तो ये इंटरनल जो रीनल मेडुला है उसमें प्रेजेंट होते हैं ठीक है ठीके? तो इस सारे को मिला के ये जितना भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रखा है इसको हम बोलते हैं रीनल कैप्स्यूल तो रीनल कैप्स्यूल कॉन्स्टिट्यूट ऐसा करके भी आपको नीचे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रीनल कॉटक्स में क्या क्या आएगा तो यहाँ पे चार ऑप्शन देके वन करेक्ट और तीन जो है वो गलत या फिर चारों सही चार आपको ऑप्शन दे दिए रिनट्री कैलिक्स रिनल कॉलम नेरी पिरामिड चार ऑप्शन लिख दिए एंड तीन ऑप्शन लिख दिए एंड लास्ट में ऑल ऑफ द अबव करके तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कॉलम्स ऑफ बर्टिनी तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम्स आर आल्सो कॉल्ड कॉलम्स ऑफ कॉलमी तो ये यह जो यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड आपको यहाँ पे ये यह दिखा रखे हैं ये कॉलम्स ये जो लाइंस इस तरीके से आ रही हैं ये दिस हाईलाइटेड लाइन तो इनको कॉलम ऑफ बर्टिनी बोला जाता है तो यहाँ से वन मार्क का क्वेश्चन बनता है मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस जो हैं ये यह जो यहाँ पे हाईलाइटेड करके डार्क ब्लैक एंड यहाँ पे मार्क कर रखे हैं यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट वन यहाँ से क्वेश्चन बनता है नेफ्रॉन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी तो दिस थिंग वी ऑलरेडी नो बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा होता है तो ये भी पूछा जा सकता है एज सच टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ, अगर टफ करना होगा लेवल तो उसमें इसके चांसेस कम हैं बट एज़ पर द रूल्स जो क्वेश्चन का लेवल क्वेश्चन का लेवल रहता है तो उसमें मतलब कि ये बोला जाता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन सेट करते टाइम उसको जो है वह Uh, मतलब कि एक दो क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े ईजी भी रहने चाहिए तो कई बार पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नेफ्रॉन के दो हिस्से होते हैं ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्रिप्यू तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम को देखें ना तो ये मैंने नेफ्रॉन यहाँ पे डायग्राम नेफ्रॉन की मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ तो ग्लोमेरुलस जो है ये जो बंच गुच्छा जैसा बन रखा है रेड कलर से ये मार्क्ड है रेड कलर से इसलिए मार्क्ड है क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज हैं इनमें ब्लड है तो ये जो ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस और उसके बाहर ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल और दोनों को इकट्ठा जो है वो मालफीजियन टिब्यूल जो है वो बोल देते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है मालफीजियन टिब्यूल इंक्लूड्स चार ऑप्शन आपको दे दिए तो आपको इन दोनों को चूज करना है या फिर इन दोनों में से सिंगल से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे ये एफरेंट और ई फ्रेंट अर्ट्रियोल बताए गए हैं तो एफरेंट अर्ट्रियोल जो है ये ब्लड ला रहा है किडनी की तरफ जिसको फिल्टर करना है और ई फ्रेंट अर्ट्रियोल जो है वो यहाँ हाइलम से अराइज़ हो रहा है इसी की कॉन्टिन्यूशन है ये अराइज हो रहा है बस ये अलॉन्ग दी हम बोल सकते हैं पैरलोरी जो हमारा आगे नेफ्रॉन के लूप ऑफ हैंडले आएगा उसकी पेलोरी रन करता है तो एफरेंट अर्ट्रियल और ई फ्रेंट अर्ट्रियोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से आफ्टर दैट अगर हम डिस्कस करें तो ये पोर्शन आ गया फर्स्ट पोर्शन हमारा मार्फिजियन ट्यूब्यूल मार्फिजियन ट्यब्यूल के बाद ये जो सेकंड पोर्शन यहाँ यहाँ तक आया दिस वन इज प्रॉक्सिमल कॉन्वेलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी तो यहाँ पे जब फिल्ट्रेशन होगी तो फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ जाएगा आफ्टर दैट दैट दिस फिल्टरे पासिस थ्रू दी दिस यू शेप्ड और हॉर्स शू शेप्ड दिस स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है लूप ऑफ हैंडले जिसके कि दो लिम्स होती है दो लिम्स मतलब कि दो यहाँ पे आपको ये पाइप सी दिखाई दे रही है एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो दिस वन पोर्शन ये जो इसका इंटीरियर पोर्शन है ये यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा वाइडर है और यहाँ पे नैरोअर है तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा हिस्सा जो है वो नैरोअर है कौन सा हिस्सा जो है वो थिक्कर है इसका वाइडर है तो आफ्टर दी पी सी टी प्रॉक्सिमल कॉन्विलटे टिब्यूल जो फर्स्ट हिस्सा आएगा वो है डिसेंडिंग लिम्बो ऑफ है लुप ऑफ एंडली डिसेंडिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है वो इस तरीके से नीचे जा रहे हैं असेंडिंग लिंब आ जाएगी नेक्स्ट वन क्योंकि ये इस तरीके से ऊपर की तरफ फिल्ट्रेट जा रहे हैं फिल्ट्रेट यानी कि यूरिन जो भी बन रहा है यहाँ पे इसके बाद ये फिल्ट्रेट जो है यहाँ डी सी में जाएगा डिस्टल कॉन्विटेटेड टिब्यूल ये जो इतना सा कर्व्ड हिस्सा है डी है और आफ्टर दैट यहाँ से ये यह जो एक कॉमन डक्ट है जिसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं इसमें से जो है यूरिन पास आउट होगा सो दिस ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अब अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हमारे पास जो है ये दो पेयर ऑफ किडनीज होती हैं ओके एंड दिस वन इज सेंट्रल नोट जहां से आपके ये यूरेटर निकल रहे हैं लाइक like दिस यूरेटर निकल रहे हैं आगे ये कंबाइन होके जो है वो एक कॉमन यहाँ पे इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर बना रहे हैं और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा यहाँ पे बना रहे हैं दिस इस थिंग है। बट यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करने की बात ये है वो ये है कि हमारा जो नेफ्रॉन है यहाँ पे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन किडनी में ईच किडनी में प्रेजेंट होते हैं ये नेफ्रॉन मैं ऐसे जस्ट रफ टाइग्राम यहाँ पे बना रही हूँ ये इसका जो है वो लूप ऑफ हैंडले वगैरह पीसीटी बना के इसका जो ये कलेक्टिंग डक्ट लास्ट में बना तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो इस तरीके से आगे यूरेटर बना रहा है और इस तरीके के नेफ्रॉन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन यहाँ पे भी होंगे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन यहाँ पे भी होंगे तो उन नेफ्रॉन्स के थ्रू जो है वो यूरिन जो है वो ये यूरेटर्स के थ्रू बाहर निकलेगा कंसनट्रेट हो so this thing is go, uh, given over here or um, for next video in next video we will discuss about the uh, urine formation its countercurrent mechanism its hormonal control and the other accessory organs uh, present in our body as excretory organs till then keep watching uh, do like and subscribe my channel share it and support me thank you